बताया कि मानसूनी बारिश का मौसम जारी है, देश भर में हर जगह बारिश हो रही है। इसी के साथ आज उदगीर शहर में पानी पुरोठा करने वाला शहर का सिल्की डैम पूरी तरह से भर गया है। जो हम आज उदगीर शहर के नगर पालिका के पानी पुरोठा सभापति शेख महबूब साहब से बात करते हैं कि जब पानी का डैम ये डैम भरने के बाद वो किस तरीके से नियोजन कर रहे हैं कि शहर में पानी पुरोठा करने के लिए। पिछले 3 साल के बाद उदगीर शहर का सिल्की डैम भर चुका है। भोपनी का पानी भी उदगीर के नागरिकों को दिया जाता है, तो भोपनी की क्या कंडीशन है? आज भोपनी का डैम भर चुका है, सिर्फ आधा फीट पानी कम है। और हम आज तारीख है 19, तो 15 तारीख को हम भोपनी डैम चालू कर चुके हैं और भोपनी डैम से उदगीर शहर को पानी ले रहे हैं। हमारे नियोजन में ऐसा होता है, अपने बनसिल्की डैम को रोकते हैं और भोपनी डैम का पानी ख़त्म होने तक पहले भोपनी डैम से पानी लेते हैं। इसलिए भोपनी डैम में भी फिलोखत 8 महीने उदगीर को पानी देने की उतना साटा है और उसके बाद भोपनी डैम ख़त्म होने के बाद उदगीर का डैम जो बनसिल्की डैम है वो लेते हैं। तो हमारे पास पानी आज के कंडीशन में हम 2 साल पानी दे सकते हैं। सभापति होने के नाते आगे पुरोठा करने के लिए क्या नियोजन बनाया गया है? मैं सभापति होने के नाते पुरोठा करने के लिए जो पिछले सालों में जो अड़चन आ रही थी, जैसे कि मोटरों की डीपी की जो अड़चन आ रही थी, बार बार मोटर ख़राब हो रहे थे, पंप ख़राब हो रहे थे, डीपी जल रही थी, इसकी वजह से पानी का पीरियड जो लंबा जा रहा था 15 दिन 20 दिन को हो रहा था, तो हमने नया प्रस्ताव डाल के डीपी के 2 डीपी मंजूर कर लिए और वीटी पंप 90 के 3 मोटर, 60 के 3 मोटर, 30 की 1 मोटर, ये पूरे नए मोटर हम पूरे बदल रहे हैं। और जब ये पूरे मोटर बदलेंगे तो हम उदगीर शहर को 3 दिन को एक दफ़ा पानी देंगे। जो अपने को लंबा हो रहा था वो हम जल्द से जल्द पानी, क्योंकि ये मोटर लाने के बाद बिठाने के बाद 25-30 साल कोई परेशानी नहीं होगी, जो बार बार मोटरों की तकलीफ हो रही थी, और पब्लिक को भी पानी की कोई परेशानी नहीं होगी। और इस डैम के लिए कुछ नियोजन बनाया गया है? इस डैम के लिए आने वाले दिनों में क्या है, हम यहाँ पे गेस्ट हाउस बनाने का नियोजन कर चुके हैं और एक अच्छा सा गार्डन बनाने का नियोजन है। आने वाले दिनों में अच्छा सा गार्डन पब्लिक के लिए, गेस्ट हाउस, ये हर चीज़, रास्ते, ये सब बनाने का नियोजन है। आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा काम हो जाएगा। नागरिकों से थोड़ा गुजारिश है, विनंती है मेरी, जो पानी हम दे रहे हैं तो उसका पानी क्या है, बहुत अनमोल है, तो अनमोल चीज़ को हिफाजत करना ज़रूरी है। हम पानी दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये पानी नगर पालिका का आ रहा है, फ्री में है, कितना भी, ऐसा नहीं है। तुम जितना पानी की हिफाजत करेंगे उतना पानी आपको ज़्यादा दिन मिलेगा और कम दिनों में पानी मिलेगा। जो 8 दिन को 10 दिन को जा रहा है तुम उसका इस्तेमाल सही करेंगे तो हम पानी 3 दिन को एक दफ़ा देंगे, क्योंकि आप जो नलों को खड्डे कर चुके हैं वही पानी खड्डों में जा रहा है, और जिसके वजह से आप बोल रहे हैं डैम के पानी में आया यानी कीड़े आ रहे हैं, तो डैम के पानी में कीड़े नहीं आ रहे हैं। तो आप जो पानी 8-10 दिनों खड्डे बंद, जो बरसात का पानी गिर रहा है वही पाइपों में जाके ठहर रहे, उससे कीड़े तैयार हो रही। नागरिकों की ये भी शिकायत है कि पानी गंदा आ रहा है। नागरिकों की शिकायत पानी गंदा आ रहा है, ये बात तो ठीक है, उनका कहना है, उन्हें बोल सकते हैं, अब उनको तकलीफ हो रही है इसलिए बोल रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे पूरा नियोजन जो पानी की जो पानी में जो त्रुटि यानी फटक जो त्रुटि पाउडर डालते हैं, हम हर 1 घंटे को त्रुटि पाउडर डालते हैं और पानी हर 1 घंटे को टेस्टिंग करते हैं, यानी पानी एकदम करेक्ट है यानी पब्लिक पीने के लायक, यानी उसमें कीड़े होते हैं। हम ये पूरी जवाबदारी हम पूरी नियोजन कर चुके हैं और उसको पूरा दिन में 5 दफ़ा पानी टेस्टिंग करते हैं हम, जब त्रुटि डालते हैं तो पानी, तो इसलिए पानी गंदा आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिल्टर यहाँ पे फिल्टर है। नागरिकों ने बताया हमारे को कि पानी गंदा आ रहा है, तो हमने खुद आँखों से देखा, तो किस कारण से गंदा पानी आ रहा है? पानी जो गंदा आ रहा है, नागरिक जो अपने नल खड्डों में रख चुके हैं, जो पानी गिर रहा है यानी नल खुलने के बाद भी, जब अगर समझो बरसात का दिन है, धुपका लेके भी देना है, जब पानी आता है तो वो पानी भरना हुआ तो वैसे ही छोड़ देते हैं, वही पानी नलों में जाता है, उससे कीड़े तैयार होते हैं। नागरिक हैं तो नागरिक से उनसे विनंती है कि आपने नलों को टूटियाँ बिठाए, पानी क्या है खड्डे में मत जाने दे, नलों में मत जाने दे, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो, आप बीमार न गिरे, आपका आरोग्य अच्छा रहे, इसके लिए खुद के आरोग्य की खुद हिफाजत करना ज़रूरी है। तो नागरिकों से विनती है कि आप अपने नलों को टूटियाँ बिठाए और गंदा पानी अंदर जाने मत दे। अगर उसके बाद भी अगर गंदा पानी आ रहा है तो आप कह सकते हैं, जब हम
हमको आप बोलो शिकायत, हम उसकी पूर्तता करने को पूरा तैयार हैं। एक तरफ शहर में नगर पालिका के लिए खुशी का माहौल है कि जो शहर में पानी परोठा करने के लिए आसानी हो, और दूसरा ग्रामीण की ओर पानी बहकर जाने से कई खेतों में फसलें बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि तुरंत तो किसानों को बीमा पास करें और उनकी सहायता करें। Thank you.